हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पुराने स्वेटर जो होते हैं उन्हें ये बताऊंगी कि उन्हें उनकी वूल को सही कैसे करें, लेकिन सही करने के लिए उनका स्टिच करना, अनस्टिच करना और हम किस तरह इसे करेंगे कि जिस तरह ये आराम से सही की जा सके, तो मैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, ये स्वेटर हैं और मैं सबसे पहले इसकी जो सिलाइयाँ जो होती हैं दोनों तरफ, मैं उसे अनस्टिच करूँगी। ये जो आप मेरे हाथ में अनस्टिच होल्डर देख रहे हो, इसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना बताया था, जो एक पुराने पेन से था। आपने यदि वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह मैं इसे अनस्टिच कर लूँगी। देखिए, दोनों तरफ से मैंने अनस्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो इसके शोल्डर हैं उन्हें भी मैं अलग कर दूँगी। शोल्डर को हाँ, ये इस तरह हम अलग कर देंगे और इसकी जो ऊन है उसे हम निकाल कर गोला नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे गोला बनाते हैं गोला नहीं बनाना है हमें, इसे अपने पैरों पर लपेटना है। इस तरह हमें पैरों पर लपेटना है। यदि ऊन एक ही कलर की है तो इस तरह हम पैरों पर लपेट लेंगे इसे, लेकिन मेरा जो ये स्वेटर है इसमें दो कलर हैं, तो दो कलर हैं तो उसे लपेटने का तरीका कुछ इस तरह है कि आप उसे इस तरह दोनों पैरों पर लपेटेंगे, जैसे कि दोनों ऊन अलग अलग रहें और हम इन्हें दोनों को अलग अलग ही सही करेंगे। देखिए, अब इस तरह आप नॉट लगा लें जिससे कि ये धागे एक दूसरे से मिले ना, और ये आपको नॉट कई जगह लगा लेनी है। और मैंने इसमें भी देखिए नॉट लगा लूँगी और इसमें भी कई जगह नॉट लगानी है जिससे कि ये अलग अलग रहें। अब देखिए इनमें कितना बल पड़ा हुआ है क्योंकि स्वेटर पुरानी है। अब मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और उसे गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं एक स्ट्रेनर लूँगी और जब पानी गर्म हो जाएगा, और इस स्ट्रेनर को मैं इस पे रख दिया है मैंने, और देखिए मैंने ऊन को भी इसके ऊपर रख दिया है स्ट्रेनर के ऊपर। पानी गर्म होना चाहिए जब आप स्ट्रेनर को रखोगे। अब आप इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे पलटते रहें, आपकी ऊन को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। इसके जितने भी बल पड़े हुए हैं वह खुल जाएंगे और आपकी जो ऊन है बिल्कुल नई जैसी दिखने लगेगी। आप इसे बार बार पलटेंगे, क्योंकि यदि आप इसे नहीं पलटेंगे तो इसमें बल रह जाएंगे, इसलिए आप इसे कोशिश करें पलट पलट के ये देखें कि कहीं इसमें बल ना रह जाएं। और कई बार अंदर की तरफ भी बल रह जाते हैं, तो आप उसे भी देख लें और इस तरह पलट पलट कर इसे कर दें। देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें बल ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए, बल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ी सी हवा लगा दूंगी क्योंकि इसमें भाप लगाई है मैंने। देखिए, बिल्कुल नई जैसी ऊन हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और इस ऊन को मैं किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ, नए स्वेटर बना सकती हूँ, किसी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।